लो। ओए ओए, डर वर नहीं है क्या तेरे को? तो गाइस अभी करेंटली 9:30 बज रहे हैं, हम लोग अभी छत पे ही आ गए हैं। अभी कुछ सीन ऐसा है कि हमारी चरखी टूट गई और यहाँ पे हमने पूरे बेड पे हमने पतंग बिछा रखी है। ये देख लो आप, ये देखो भाई, कागज वाली लाए हैं और पन्नी वाली मेरे लिए लाए थे ये लोग, पर इन्हें पता नहीं है कि सबसे ज्यादा प्रो मैं ही हूँ, ये बड़ी बड़ी पतंग मैं ही उड़ाऊंगी। ठीक है, कौन दिखा कौन है? ये वो इतनी चुप रहा है, टूट गया यार ये। तो यहाँ से क्या प्रॉब्लम आएगी? और ढील नहीं आती ना, ऐसा अटक जाता है ऐसे साथ में। तो इस पे टेप लगा लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, एम सील नहीं, फेविकोल, एम सील काम कर जाएगी इस पे। पहले ऊपर की साइड कवर करियो, या फिर मेरी बात सुन, पहले ना इसकी रोटी बना ले, रोटी से बना ले। अरे ऐसी नहीं भाई, बड़ी रोटी बना। यही तो करना था, बेस्ट चीज कही तुमने, इतने 100 घंटे से लगा पड़ा था इससे ये काम नहीं हो रहा था। तो गाइस कल 15 अगस्त है और हम लोग काफी मजे करने वाले हैं, हर साल ही मजे करते हैं। और मम्मी को सुबह सुबह गांव भी जाना है, मतलब मम्मी पापा गांव जाएंगे, तो हमें जल्दी उठ के सब कुछ प्रिपरेशन करनी है। गुड नाइट आफिरा, ला दूसरी दे, सुन ले। यो यो यो, कैसे हो मेरे जिगर के छल्लो? हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, और आशा करते हैं आप सभी ठीक ही होंगे। हम तो बढ़िया एकदम। तो अभी आज है 15 अगस्त, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, गुड मॉर्निंग। और हम लोग आ गए हैं छत पे सुबह सुबह ही। तो टाइम क्या हो रहा है सेक्शन के? 9 बज रहे हैं और आज पूरा व्लॉग ऐसे धूप में आएगा, बढ़िया। तो मास्क मैंने इसलिए लगा रखा है क्योंकि सुबह से हमें सनस्क्रीन मिली नहीं है। सनस्क्रीन होता है मीम होता है, मतलब सनस्क्रीन होता है मीम, सनस्क्रीन होता है सनस्क्रीन, सनस्क्रीन हमें सुबह से मिली नहीं है। तो हम लोगों ने ये मास्क की हेल्प से और ये सारा कवर कर लिया है जितना कवर हो सकता था, और शर्ट भी फुल बाजू पहनी है, नीचे भी फुल बाजू, मतलब सब कुछ फुल कर दिया है हमने ताकि हम लोग काले ना हो। वैसे हम अल्ट्रा प्रो मैक्स काले हैं, लेकिन डर इस बात का है कि हम और काले ना हो जाएं। शुरू करते हैं। ए सक्षम, भैया उड़ाएगा और काटेगा, ठीक है? हम लोगों को क्या करना है, पीछे से पतंग आती हुई को लूटना है। तो पहली पतंग हमारी कट गई है, शगुन हो गया। अब देखो मैं उड़ाऊंगी, प्रो बनूंगी। तो मैं पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती हूँ कि कट गई तो मुझे कुछ मत बोलना, तुम भी बहुत कटवा चुके हो पहले से ही। तो अब तुम्हारी बहन जा रही है इस पतंग को उड़ाने, और जिस बंदे ने हमारी पतंग काटी है हम उसकी पतंग काट देंगे। फाड़ेगी फाड़ेगी फाड़ेगी। पागल है क्या? फट गई पतंग? चल नीचे टेप लेके आ जा, तेरे से जाए, जा नीचे टेप लेके, छोड़ से किलस नहीं की थोड़ी ना हो रही थी, ऐसे क्यों कर रहा है अब तू बताइयो? मेरे को उड़वाने भी नहीं दे रहा, फिर किलस भी रहा है। भैया तू मेरे को क्यों सुना रहा है? इतनी जोर से हवा चल रहा है, तू भी तो नहीं उड़ा पा रहा, अपनी पहली भी तो कटवा चुका है, तू मेरे को क्यों बोल रहा है? फिर कल भी तो 17 पत्ता कटवाई थी तूने, ऐसे ही करता है हमेशा। गाइस आप लोग कमेंट करके बताओ मुझे, किस किस के बड़े भाई बहन उनको, मतलब बहन तो क्या, बड़ा भाई उनको पतंग नहीं उड़ाने देता। मेरा भाई इतनी सारी पतंग लेके आया लेकिन मेरे से एक पतंग फट गई, उसके बाद पतंग ही नहीं दे रहे। अब कटवा के अब कुछ नहीं हो रहा। हाँ भाई, सारी पतंग वेस्ट कर दे तू, एक चांस नहीं दे रहा मुझे। पन्नी दे, फिर पन्नी लगा के दे ला, जब तक तू पन्नी के करने बंद तब तक मैं ये ट्राई करती हूँ। फाड़ेगी 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 फाड़ेगी, गई गई गई। इन्हें पता नहीं है गौरव जोन से पंगा ले रहे हैं, ऐसे उड़ा उड़ा के आ रहे हवा में। ओए ओए, डर वर नहीं है क्या तेरे को? नीचे कर ले अपनी पतंग, नीचे चलो यार, बड़ी गर्मी हो रही है, कसम से शाम को आएंगे। तो गाइस आपको क्या करना है, तो देखो भाई मेरे जिगर के छल्लो, अभी हम गोभी खोदने जा रहे हैं, और हमें क्या करना है, इसको इसको जो हेड है ना हमें सामने की तरफ रखना है। पतंग के लिए बनी है तू किसमें? मैं मस्त पतंग उड़ाती हूँ, लेकिन हवा भी बहुत तेज चल रही है, नहीं तो मैं तो एकदम
अल्ट्रा प्रो पकड़ ले आदित्य, मेरे से लड़ाएगा, पतंग दियो एक। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ऐसे क्यों उड़ा रहे देंगे? देखे। नाश्ता भी ऐसे ही है मुझकी। तो आज के इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर मैं गौरव सर को, गौरव जोन सर को मैं सैल्यूट करना चाहूंगी। पहले नाम। यो यो यो, मेरे जगह की सुन लो, कैसे हो आप लोग? वो भी बोल देंगे। और क्या बोलते हो? पतंग आ गई। तो मैं इस पावन अवसर पर गौरव जोन सर, गौरव सर को उनको सैल्यूट करना चाहूंगी, क्योंकि वो इतना अच्छा कंटेंट देते हैं गाइस। हमें तो कंटेंट ही नहीं मिल रहा, 15 अगस्त पे क्या ही कर ले हैं। आदित्य तो भाई गजब उड़ा रहा है। आदित्य एक बार और खींच मारिए मेरे बाबू। इसमें के तर भी आ गई। बिल्कुल ऐसे ही नाचता भी है तू ना। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि 15 अगस्त पे आपकी छतों में पतंग से भरमार हो जाए, तो आपको क्या करना है, कलश लेना है आपको। इस कलश में आपको इस कलश को बीचों बीच रखना है छत पे, ठीक है? बीचों बीच रख के आपको इसमें हल्का सा पानी टपका देना है और एक मंत्र बोलना है आपको। मौसी मौसी मौ पिंग पिंग पो, सस्ते नशे छाती से नमक सूंघ लो, ठीक है? ये वाला आपको बोलना है। उसके बाद देखना आप, उसके बाद एक चीज करनी है बस। अब देखना आप गाइस पतंगों के भरमार हो जाएगी आपके। और ये देखो टैनिंग कितनी जबरदस्त हो रही है। वाओ यार, एक गट्टा तो आ भी गया। तो गाइस मैं नहा चुकी हूँ और बीच में हम लोगों ने काफी लंबा रेस्ट ले लिया है, क्योंकि अभी करंटली 2 बज रहे हैं और हम लोगों का प्लान है कि हम 4 बजे ऊपर जाएंगे। और उसके बीच में हम ब्रेड पकोड़े खा चुके हैं, कोल्ड ड्रिंक पी चुके हैं और ये हमारी तीसरी चीज़ चल रही है जो कि है मैगी। और इसके बाद हम लोग ऊपर चलेंगे। वेलकम यू गाइस, हैप्पी 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे एवरीथिंग। और इतना मजा आ रहा है, अभी मैं सो के मैं बीच में सो गई थी और बड़ा मजा आया। थोड़ा सा नींद लेके थोड़ी थकान हल्की हो गई। सुबह तो मैं कैसी अजीब सी लग रही थी, अब तो फिर भी ठीक लग रही हूँ। तो भैया ने एक पतंग फिर से कटवा लिया और मुझे मौका मिल ही नहीं रहा उड़ाने का। मुझे यहाँ पे बिठा दिया है कि पीछे से आती हुई पतंगों पे नजर रख, जौन सी भी आ रही ना तुझे वो पकड़नी है। तो हमारे जादू का नतीजा ये है कि वो जो सामने रखे वो सारी पतंग आ चुकी हैं और ये एक और पतंग हमारी सक्षम ने लूट लिया। दीदी ये रहे देख डब्लू बब्लू। तो अब आपकी बहन जा रही है पतंग उड़ाने के लिए। शिट मेरे को धूप लग रही है। तो अब मैं पतंग उड़ाऊंगी और काटूंगी, उसमें से आपकी भी हो सकती है। तो सॉरी इन एडवांस अगर आपकी पतंग कट गई है, तो मेरी कोई गलती नहीं थी, वो मैं फॉर्म में आ गई थी बस। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। ऑल्सो इग्नोर माई हेयर स्टाइल, ओके? यहाँ पे हम सेट कर देते हैं कहीं पे फोन को। गाइस स्ट्रगल कितना है यार इसमें व्लॉगिंग में, नहीं तो मजे ले रहे होते अब तक। फाड़ दिया पतंग, फाड़ दी, मेरा पैर कट गया आयुष भैया। तो गई खेचमा कर, नीचे कर बता, नीचे ढील दे वो। ढील दे ऊपर से। अभी नहीं अभी लड़ाई नहीं है, अब ढील दे वो। कैसे बांधते हैं भैया बता दो यार। मेरा मुकाबला फोन की पतंग देख लो भाई, उल्टी पकड़ रखी है तूने, सीधी ऐसे पकड़, ऐसे सीधी दिखा। मोदी जी बन रहा है, गो करो ना। तो गाइस आप मेरा हाथ देख सकते हैं किस तरह से जख्मी हो गया है, ये हाथ बड़ा दर्द हो रहा है। चलाऊं? गाइस ऐसा स्टंट घर में मत करना। तो गाइस आप लोग देख सकते हो छतों पे कितनी कितनी पब्लिक चढ़ी हुई है, देखो हर छत पे आपको इतनी पब्लिक मिलेगी। तो नए पतंगबाज आ चुके हैं ऋतु शर्मा, चलिए उड़ाइए।
रितु पतंग कहाँ से मिली? मेरी छत पे से। आई हुई थी? दो। दो एक। पानी पिए के आजा। भाई इतना भाग के आई हूँ मैं। आजा नीचे आजा। तो गाइस जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोगों को पतंग उड़ाने का मौका नहीं मिल रहा, तो हम लोग इस टाइम का फायदा उठाएंगे और एक धागा लेंगे और इसको हम इस डंडी में बांध देंगे। और आप समझ रहे हो हम क्या कर रहे हैं? तो गाइस हमने बांध लिए है, अब हम पतंगे पकड़ेंगे। इंडिपेंडेंस डे की खुशी। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैं कौन सा डे? इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे। तो चंदा मामा भी निकल आए हैं हमारे और कुछ देर में ही लैंप जलने लग जाएंगे गाइस। बड़े ही सुंदर लगते हैं रात को जलते हुए। हमारे एरिया में काफी जलते हैं लेकिन हम लोग नहीं जलाते हैं। क्यों नहीं जलाते हैं? क्योंकि हम लोगों को कोई खरीदने नहीं देता इसलिए। तो गाइस अभी तो हम लोग नीचे जा रहे हैं और मम्मी से मिलने के लिए जा रही हूँ। उसके बाद हम लोग देखेंगे, ऊपर आएंगे एक बार कैंडल वाली पतंग देखने के लिए कि कितनी उड़ रही है। और आज इतना थकान वाला दिन है कि रात को नींद तो सबसे मस्त आएगी ना। इसका मुंह देखो पसीने में ही भर रखा है, मेरा ही पूरा मुंह पसीने में भर रहा है। पर हम लोग इससे ज्यादा एंजॉय करते हैं पिछले 15 अगस्त पे, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार इतना मजा नहीं आया। आप लोग कमेंट कर देना गाइस। मैंने बड़ी मेहनत की है क्योंकि मैंने ये वाला 15 अगस्त में ज्यादा एंजॉय कर सकती थी अगर मैं बार बार कैमरा नहीं ऑन करती तो। क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड करनी थी, बहुत सारी चीजें मुझे ले लेनी थी अब ब्लॉग के लिए, और इस वजह से मेरा थोड़ा 15 अगस्त थोड़ा वीक सा रह गया है। पर कोई बात नहीं, ब्लॉग के लिए कुछ भी। यार रिद्धु तो कितनी अच्छी हमारे लिए पानी लेके आई है, हम नीचे ही आ रहे थे वैसे। हाँ ठंडा है पानी, रुकना मेरे को पीने दे पहले। सक्षम थैंक यू रिद्धु, यू आर माय गर्ल बेबी, आई लव यू। तो देखिए आप लैंप उड़ने शुरू हो गए हैं, आपको अभी बहुत दूर है, मतलब दिखाई देंगे कि नहीं पता नहीं। वो जा रहा है एक लैंप। पता है एक बार क्या हुआ था, हमारे घर के सामने वाला प्लॉट जो था वो पूरा खाली पड़ा हुआ था। तो ना रात को करीबन 10:30 या 11 के आसपास सो रहे थे और ना वहाँ पे अचानक से ना लैंप आके गिरा और ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं क्या भूत जैसा कुछ भी क्या के गिर गया है। सब लोग उसके आसपास मत जाना, ये पूरी गली में ऐसे डर फैला दिया कि भाई उसके आसपास मत जाना। फिर थोड़ी देर बाद पता जाएगा। हाँ फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि ये तो नॉर्मल हो गया, मतलब तब नया नया चला था और अब तो 15 अगस्त पे सभी लगाते हैं। हम लोगों का भी बड़ा मन होता है बट नहीं दिलाता कोई। मुझे पता है लैंप क्या होता है? लैंप देखो उड़ रहे हैं ना, देखो उधर देखो, अभी दिखाऊंगी ऑरेंज कलर के वो देख टावर के पास। अब आने लग गए हैं। तो मैं दोबारा ऊपर आके क्या करूंगी जब आपको अभी दिखा दिया है, तो मैं अब नीचे ही जा रही हूँ गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। तो रिद्धु ने जैसा बोला था, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो तूने पहली बार लैंप देखे ना? हाँ। कैसा लगा देख के? बढ़िया। नहीं मैं तब दुकान जा रही थी जब भी देखे थे मैंने। दुकान पे जला थोड़ी ना रहे होंगे, तब देख रहे होंगे ना वो? नहीं वो उड़ा के दिखा रहे थे जब मैं जब बहुत दूर गए थे ना शॉपिंग करने। हाँ जब ऊपर बहुत ऊपर से फूट रहे थे